इस समय की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कानपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए हैं। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं टीवी न्यूज पर। आपको बताएं पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जी हाँ गोरखपुर को अच्छे से सुनिए, क्योंकि गोरखपुर ही वो शहर है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हैं, और गोरखपुर के एक होटल में अन्याय हुआ। आपको बताएं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के एक होटल जिसका नाम कृष्णा पैलेस है, वहां सोमवार रात दबिश के बाद पुलिस कर्मियों ने बर्बरता दिखाई और मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उस पति यानी उस व्यक्ति की पत्नी ने 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा तक दर्ज कराने की बात कही है और FIR दर्ज कराई 6 पुलिसकर्मियों के विरोध में। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के पास पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर है कि इस तरीके की कोई भी अन्याय को उत्तर प्रदेश की सरकार भी स्वीकार नहीं करेगी। इसको देखते हुए अभी की जो तस्वीरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से, ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पुलिस की ऐसी बर्बरता लगातार सामने देखने को मिल रही है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यानी वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस को खूब खुली छूट दे रहे हैं, क्या वो आपे से बाहर हो चुकी है? क्या आम आदमी को मार मार कर उसको परिवार को फिर बाद में न्याय दिलाना ही एकमात्र साधन बचा है? आपको पता है कि पूर्व में पुलिस द्वारा ही एक अन्याय उत्तर प्रदेश की राजधानी में किया गया था। एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोप उस समय भी लगा था पुलिस कर्मियों पर। खाकी को लगातार बदनाम किया जाता है बार बार, क्या एक बार फिर से पुलिस बेकाबू हो गई? क्या पुलिस के पास इतना अधिकार है कि वह किसी के होटल के कमरे के अंदर घुसकर बर्बरता करे और पीट पीट कर मार डाले? बात यही नहीं रुकती, अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चीख चीख कर यही कह रही है कि पुलिस आरोपी है। चीख चीख के कह रही है कि वो पुलिसकर्मी अपने आपे से बाहर हो गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उस दिन जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाली घटना ही थी। उत्तर प्रदेश में जो उस दिन हुआ उसको कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। उस दिन जो हुआ वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि पीट पीट कर ही हत्या की गई है। मनीष गुप्ता व्यापारी जिसकी हत्या हुई उसकी पीट पीट कर हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा ही की गई है, ये बात की पुष्टि हो चुकी है। और आप देखिए किस तरीके से इसको देखते ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंच चुके हैं। टीवी न्यूज़ इस समय आप देख रहे हैं और लगातार हम आपको कानपुर की अपडेट देते रहेंगे।